देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। खबर कानपुर से। कानपुर बिल्हौर ककवन थाना क्षेत्र के बिजधन चौकी अंतर्गत क्षेत्र के डीडीआर के पब्लिक स्कूल में आज़ादी के 75वीं वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें डीडीआर के पब्लिक स्कूल के बच्चों ने आज बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस को मनाया और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे बड़ी ज़ोर से लगाए, जिसमें डीडीआर के पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य सुनील कुमार जी के द्वारा बच्चों को पुरस्कार भी भेंट किए गए और स्कूल के सभी अध्यापक मौजूद रहे। आइए, हमारे साथ डीडीआर के पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि 15 अगस्त किस लिए मनाया जाता है। जी सर, क्या नाम है आपका? मिस्टर सुनील कुमार सर। ये सर, जो स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया है, किस लिए किया जाता है? स्वतंत्रता दिवस का आयोजन 15 अगस्त 1947 से प्रारंभ है। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसमें बहुत सारे हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों का न्यौछावर किया। उसी दिन से आज तक हम लोग 15 अगस्त मनाते चले आ रहे हैं। आप जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने शिक्षा मतलब बच्चों को क्या बधाई देना चाहेंगे? 15 अगस्त के अवसर पर हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि कभी भी सत्य के आगे झुकना नहीं चाहिए और हर वर्ष जिस तरीके से मनाते चले आ रहे हैं उसी तरीके से मनाते रहना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। सर, कहाँ रहने वाले हैं आप? समस्तपुर नवराज जी। जो 15 अगस्त का जो आयोजन हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे आइए और भी हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार जी। ये जो स्वतंत्रता दिवस का जो आयोजन किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और तमाम लोगों के इसमें जो है जाने गई थी उसी दिन। हमारे साथ और भी कुछ और शिक्षक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जी। ये जो स्वतंत्रता दिवस का अवसर मनाया जाता है, इसके इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सर, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, इसमें बहुत से वीर शहीदों ने अपना बलिदान दिया है और बहुत मुश्किल से ही हमने ये आज़ादी का जो है प्रदान प्राप्त कर पाया। इसमें कई करोड़ों लोगों को अगर भी कहा जाए, बहुत क्रांतिकारी हैं, उनके नाम लेंगे तो फिर थोड़ा समय चाहिए ज़्यादा। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है और उसके उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसकी खातिर कसम है हमको, अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे, जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे। कसम है हमको, अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे, जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे, अपनी धरती के आगे हम सारा गगन। कसम है हमको, अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे, जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे, अपनी धरती खातिर कसम है हमको, अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे, जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे।
आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे, मोहम्मद रेहान के साथ जुबैर।